saiyo. Kaka. Kaka, ye dekhiye. Kaka, ye dekhiye. एक पहिया पूरी तरह से तैयार हो गया। बेटा, मैं ये पहिया देख तो नहीं सकता हूँ, पर तुम्हारी आवाज की खुशी को महसूस करके यही लगता है कि पहिया बहुत अच्छा बना होगा। कमल, जी सर, बाहर जाकर काम करो। अमरपाल जी, आप जैसे उस्ताद की निगरानी में सीख रहा है, अच्छा कैसे नहीं होगा? उस्ताद, बड़ा बदकिस्मत उस्ताद हूं मैं साईं। सालों बाद किसी को शागिर्द बनाकर उसे काम सिखाया, पर मैं उसे देख भी नहीं सकता। और पता है साईं, मैं जब घोड़ा गाड़ी बनाता था, दूर दूर से लोग आते थे मेरी कारीगरी देखने, पर अब मैं ये घोड़ा गाड़ी देख भी नहीं पाऊंगा साईं। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ साईं? यही तो जीवन का चक्र है अमरपाल जी, आप इसे अभी देख नहीं पा रहे हैं। जब आप आए तभी कमल भी आया, और ये हुनर आपसे ही सीख रहा है। ये सब चीजें एक तार में बंधी हुई हैं। एक तार में? कैसे साईं? आप बस अच्छे कर्म करते जाइए अमरपाल जी, जैसे कमल को सिखाकर कर रहे हैं। सही समय आने पर आपको भी ज्ञान हो जाएगा कि किसके तार किससे जुड़े हैं। मैंने कल दावा तो कर दिया था कि मैं 3 रुपए अपने दम पर जुटा लाऊंगा, लेकिन कैसे, क्या करूंगा मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। हरिओम। हरिओम जी, कहिए। बेटा, इस गांव का मुखिया हूं मैं, कुलकर्णी सर का। सुना है वो फकीर तुम्हें बहुत परेशान कर रहा है, बहुत कष्ट पहुंचा रहा है। बुरा मत मान, तुम पहले नहीं हो, तुमसे पहले कई सारे लोगों का जीना उसने दूभर कर दिया है। लेकिन अगर तुम्हें सहायता चाहिए थी तो तब से पहले मेरे पास आ जाना चाहिए था तुम्हें। संता जी, हम दोनों यहाँ क्यों छुपे हैं? संता जी, अगर सरकार का इस लड़के के साथ आसानी से काम नहीं बना तो हम सरकार की मदद करेंगे, लेकिन वो स्वीकार करना पड़ेगा कि हम दोनों में कितनी अकल है। इतना तो समझ आ गया है मुझे कि साहब मुझे कुछ सिखाना चाह रहे हैं, इसीलिए ऐसा तो नहीं कहूंगा कि वो मुझे परेशान कर रहे हैं, लेकिन मुझे जल्द से जल्द अपना लक्ष्य प्राप्त करना होगा, तभी मैं मेरे दादाजी के इलाज के पैसे उनको दे पाऊंगा। मैंने तो आज छोड़ ही दी थी कि किसी के पास इस गांव में 100 के छुट्टे होंगे, पर अगर आप गांव के मुखिया हैं, तो आपके पास तो जरूर खुले पैसे होंगे। मुझे साई को 5 रुपए देना, 2 रुपए कमा करके मैं चुका चुका हूँ, मुझे बस और 3 रुपए चाहिए। मेरे बेटे से कम आयु में हो तुम। अरे मैं मुखिया हूँ गांव का, 3 रुपए मेरे लिए कोई बड़ी राशि नहीं है, तुम्हें दिए देता हूँ। लेकिन इस गांव का मुखिया होने के नाते ये तुम्हें बताना मेरा कर्तव्य है कि
तुम्हारे दादाजी का अचूक उपचार अगर कोई कर सकता है तो वो केवल मैं हूं। आसपास के गांव में मुझसे अधिक बेहतर सर्वोत्कृष्ट वैद्य नहीं है कोई, सब मानते हैं मुझे। जी, लेकिन पहले मैं ये तो देख लूं कि साई इलाज कर पा रहे या नहीं। वो क्या है ना, मेरे दादाजी को बहुत आस्था है उन पर। क्यों नहीं, क्यों नहीं। अभी दे देता हूं। सुनो, बातों से ना माने तो लातों से पूछना इसे कि इसने चोरी का माल कहां छुपा के रखा है। पर उगलवाना जरूर, क्योंकि मैं जानता हूं चोरी इसी ने की है। क्यों बच्चे, मुझे देख के बहुत फुफकार रहे थे ना? अब पता चलेगा कुलकर्णी सरकार जब डसते हैं तो क्या होता है। हरिओम। पुलिस वाले तेरी क्या धुलाई करेंगे, उससे पहले मैं तुझे बताऊंगा। मैं उसी सुनार की दुकान में काम करता हूं और आज तेरी वजह से मुझे यहाँ पे फंसा के रखा है, सिर्फ तेरी वजह से। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की है, मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। अच्छा, मैंने कल देखा था तुझे उस दुकान में जब तू अंगूठी बेचने आया था। पक्का तिजोरी पर नजर होगी तेरी। नहीं नहीं, मेरा यकीन करो, मुझे वो 1 रुपए की नोट रास्ते पर गिरी हुई मिली थी, मैंने वो नोट ही सिर्फ उठाई है। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे मालिक की तिजोरी से ये पैसे चोरी किए हुए हैं। साई, 1 ही रुपया उठाया था उसने, वो भी अपने लिए नहीं मेरे लिए, और उसे जेल हो गई। नहीं नहीं चाहिए ऐसी आंखों की रोशनी जिससे मेरे पोते को तकलीफ हो। अमरपाल जी, मैंने आपसे वादा किया है, आंखों की रोशनी वापस मिलने के बाद आप अपने पोते को वैसे ही देख पाएंगे जैसा आप चाहते हैं, और ऐसा होगा। बैठिया। लेकिन अमरपाल जी, सोने को चमकने से पहले आग में तपना पड़ता है। साहिब, मैं समझता हूँ कि आप सुभाष को कुछ जरूरी बातें सिखा रहे हैं, लेकिन कारावास, कारावास क्यों? साहिब, मुझे अपने गांव जाकर एक वकील लाने दीजिए, किसी को मेरे साथ भेज दीजिए, मैं उसे बरी करवाना चाहता हूँ। प्रणाम साहिब। अच्छा हुआ मालसपति जी आप यहाँ आ गए। आप अमरपाल जी के साथ यहाँ रुकिए, मुझे कहीं जाना है। जी साहब। धैर्य रखिए अमरपाल जी। मालसपति जी, अच्छा हुआ आप आ गए। साई मेरे पोते को कुछ सिखाना चाहते हैं, तो शायद वो जल्दी मदद ना करें। क्या आपके पास कोई वकील है? है ना, वकील, न्यायाधीश। हमारे लिए सब कुछ साई है। अमृतपाल जी, साई ने अगर कोई जिम्मेदारी स्वीकार की है तो सुभाष ना केवल संकट से उभरेगा बल्कि उसमें उसका उद्धार भी अवश्य होगा। आप धैर्य बना के रखिए। नहीं
मैं रुकना नहीं चाहता मालसपति जी, मेरा पोता है वो। आप एक वकील बुलवा दीजिए, पैसों की बिल्कुल चिंता मत करिएगा। पैसा जुटाते वक्त ये हमेशा याद रखना कि वो पैसे तुम कैसे कमा रहे हो। खी लीजिए मेरी मेहनत की कमाई का एक और रुपया। लालच षड्रिपुओं में से एक है। लालच में इंसान बड़ी बड़ी गलतियां कर जाता है जो तुमने की। क्यों क्यों किया मैंने ऐसा? क्यों कमजोर हो गया था मैं उस समय? एक रुपए के लालच ने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। और मेरे दादाजी का भी तो इतना अपमान हुआ, अब उन्हें कैसे मुंह दिखाऊंगा? तुमसे वकील साहब मिलने आए हैं। मुझे तुम्हारे दादाजी ने भेजा है सुभाष। मुझे यहाँ से किसी भी तरह बाहर निकालिए। मैंने सारे तथ्य जांच लिए हैं। वो एक रुपए का नोट तुम्हारे पास मिलना बहुत बड़ा सबूत है तुम्हारे खिलाफ। अब तुम्हारा यहाँ से निकलना लगभग नामुमकिन है। सजा तो होगी पर कोई तो रास्ता होगा ना? है, सिर्फ एक रास्ता है। तुम्हें एक झूठा बयान देना होगा। झूठा बयान? कैसा बयान? तुम्हें पुलिस को कहना होगा कि जहां तुम्हें वो एक रुपए का नोट मिला वहां तुमने इस नौकर को देखा था जो चोरी का बाकी का सामान लेकर जा रहा था। क्या? लेकिन ये तो झूठा बयान होगा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।